फागुन मास का शुक्ल पक्ष आते ही शेखावटी का ये पूरा इलाका श्याम बाबा के रंगों में रंग जाता है। इस समय खाटू में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। नवमी से शुरू होकर ये मेला द्वादशी तक चलता है। श्याम भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव होता है। इस दौरान गांव-गांव से श्याम भक्तों की टोलियां बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ती हैं। इनके हाथों में होते हैं रंग बिरंगे झंडे और दिलों में बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा। इनके उत्साह को देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई सेना रणभूमि में आगे बढ़ रही हो। श्याम भक्तों की ये सेना आस्था और विश्वास के सहारे भक्ति साधना पर विजय पाने के लिए पूरे उत्साह से आगे बढ़ती है। बाबा के भक्तों की इस अनूठी सेना में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं के साथ ही देश विदेश के लोग भी शामिल होते हैं। सभी के मन में बाबा के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाने की जल्दी है। स्थानीय महिलाएं सुंदर राजस्थानी पहनावे में होती हैं। नजदीक के श्याम मंडल पैदल या ट्रैक्टर से और दूर के श्रद्धालु अपने निजी वाहन से बाबा के दरबार में पधारते हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद होती है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर तैनात अर्धसैनिक बलों के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। रास्ते में श्रद्धालुओं के खाने पीने की समुचित व्यवस्था होती है। जगह जगह श्याम मंडल के स्वयंसेवक इस बात का ख्याल रखते हैं कि श्रद्धालुओं को किसी चीज की तकलीफ ना होने पाए। श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। इन पंडालों में ठहरकर भक्त रास्ते की सारी थकान भूल जाते हैं। ये नजारा ऐसे ही एक पंडाल का है जहां का दृश्य बड़ा ही रोचक है। पंडाल के कोने में लोग थके हारे आराम कर रहे हैं। इनमें से कई तो बहुत गहरी नींद में हैं, तो दूसरी ओर भक्ति और भजनों की गंगा बह रही है। लोग धुनों पर आधारित श्याम के भजनों पर झूमकर नाचते इन लोगों को देखकर जहां की सांस्कृतिक परंपरा पर सिर गर्व से उठ जाता है। श्याम बाबा की भक्ति में लोक लाज छोड़कर झूमती ये महिलाएं मीरा की परंपरा की याद दिलाती हैं। भक्ति का रंग होता ही ऐसा है, इसमें रंगने के बाद फिर होश किसे रहता है। फिर तो चारों ओर सिर्फ श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं।